तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो बच्चों देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो जो है क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स, क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स होने वाला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स, क्लास टेंथ मैथ्स का जो है कि लेक्चर में देने वाला हूँ। प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और लेक्चर नंबर 11 क्लास टेंथ। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 4। अभी तक हमने जो है कि लेक्चर नंबर 10 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जा कर के सर्च कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 10 तक का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 11 में प्रश्न चार में क्या कहता है जरा देखिए। तो जरा यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देना है, gx भाजक होता है। मैं एक बात यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि px क्या होता है, तो px होता है आपका भाज्य, ठीक है, और gx आपका क्या होता है, तो gx होता है आपका भाजक, ठीक है, और आपका qx क्या होता है, qx आपका होता भागफल, और Rx आपका क्या होता है, तो Rx आपका होता है शेषफल। तो ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कि Px आपका भाज्य होता है, Gx आपका भाजक होता है, Qx आपका भागफल होता है और Rx आपका शेषफल होता है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद Gx से भाग देने पर, यानी कि gx से भाग दे रहे हैं इस पूरा पोर्शन को, यानी कि इस पूरा पोर्शन को हम किससे भाग दे रहे हैं, gx से भाग दे रहे हैं, यानी कि x³ - 3x² + x + 2 क्या है मेरा, px है, जरूर से जरूर मेरा जो है कि ये जो टर्म है x³ - 3x² + x + 2 ये क्या है मेरा, जरूर px है, यानी कि भाज्य है, तभी तो हम लोग gx से उसको भाग दे रहे हैं, यानी कि gx आपका भाजक है। अब देखिए, देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 मतलब कि भागफल आपका x-2 और शेषफल आपका क्या है -2x + 4 है ना, है तो gx ज्ञात कीजिए, gx आपका क्या है, gx आपका भाजक है, तो भाजक आपको ज्ञात करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए प्यारे बच्चों, x³ - 3x² + x + 2 ये आपका भाज्य है, को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि gx आपका भाजक है, देने पर भागफल और शेषफल, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, भागफल और शेषफल कर्मशः, कर्मशः मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब भागफल आपका x-2 दिया हुआ है और शेषफल आपका क्या दिया हुआ है, शेषफल आपका -2x + 4 दिया हुआ है, है तो gx ज्ञात कीजिए, मतलब gx मतलब आपको भाजक ज्ञात करना है, gx आपको भाजक ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हल हम कैसे, मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो अंग्रेजी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद दिया है लिखिएगा, इसके बाद भाज्य px क्या दिया हुआ, देखिए भाज्य px क्या दिया है, x³ - 3x² + x + 2 दिया हुआ है, भाजक आपका क्या दिया हुआ, भाजक तो gx निकालना है, यही तो निकालना है, दिया नहीं है ये निकालना है भाजक, और भागफल आपका क्या होता है, तो qx होता है, qx मतलब भागफल, अंग्रेजी में इसको क्वोशेंट कहते हैं, भाजक और भाज्य, भाज्य आपको अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं और भाजक को डिवाइजर कहते हैं और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। खैर आप लोगों को ये चीज़ जानना नहीं है, अगर जान भी लेते तो कोई गलती नहीं है, मतलब बढ़िया ही है, अच्छी बात है, भाज्य यानी डिविडेंड, भाजक यानी डिवाइजर और भागफल यानी
क्वाशेंट एंड शेषफल यानी रिमाइंडर. ओके, तो भाजक आपका जी एक्स है और भागफल यानी कि क्यू एक्स वो आपका एक्स माइनस टू दिया हुआ. जरा देखिए, भागफल एक्स माइनस टू दिया हुआ है और शेषफल आर एक्स, शेषफल आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर दिया हुआ. देखिए शेषफल माइनस टू एक्स प्लस फोर दिया हुआ. अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विभाजन एल्गोरिथम से. विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग आगे चलेंगे. तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल. क्या कहता है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल. तो बच्चों देखिए, भाज्य आपका क्या है, भाज्य आपका एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है. तो उसको मैंने भाज्य के जगह पर लिख दिया है. और भाजक क्या है, भाजक आपका जी एक्स है, जी एक्स है. और भागफल आपका क्या है, भागफल आपका एक्स माइनस टू है और प्लस शेषफल आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर है. देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम बना रहे हैं किसके मदद से, तो विभाजन एल्गोरिथम के मदद से. ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है. अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप जी एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे. ठीक है, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम इस चीज़ को संतुष्ट करता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को. ठीक है, मैं जरा एक एग्जाम्पल ले करके आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ को. चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए क्या है कि इसमें अगर आप ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इधर 4 और 2 4 2 2 4, ठीक है ये कैंसिल हो गया. और मैं अगर कहूँ इसमें आप भाज्य 4 ले लीजिए और भाजक आपका 2 ले लीजिए और भागफल आपका 2 ले लीजिए और प्लस शेषफल आपका 0 ले लीजिए. तो जरा देखिए, ये भाज्य है आपका, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है. ये देखिए जरा, ये क्या है आपका भागफल है 2 और ये आपका क्या है, ये देखिए ये भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक आपका 2 है और भागफल आपका 2 है प्लस शेषफल आपका 0 है. ठीक है, वो जरा देखिए, तो ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, 2 into 2 4. तो यही तो है विभाजन एल्गोरिथम. ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं. विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल. तो भाज्य के जगह पर हमने एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लिख देने का है. इक्वल टू भाजक आपका क्या है, जी एक्स है. जरा देखिए, तो भाजक आपका क्या है, जी एक्स है. गुने भागफल आपका क्या है, भागफल आपका एक्स माइनस टू है. और प्लस शेषफल आपका क्या है, आर एक्स आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर है. ठीक है, अब जरा देखिए, दिस इंप्लाइज डैट, इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज डैट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू. और ये जरा देखिए, उधर उस पोर्शन पर माइनस टू एक्स है, यहाँ पर आएगा तो प्लस टू एक्स हो जाएगा. उस पोर्शन पर प्लस फोर है तो इधर आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा. इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू हुआ. अब जरा देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज डैट इंटू एक्स माइनस टू, ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला आएगा एक्स माइनस टू. ठीक है, अब अगर हम लोग एक्स क्यूब, जरा देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रख दिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री एक्स स्क्वायर रख दिए, एक्स प्लस टू एक्स का हमने दो एक्स और टू एक्स, मतलब ए वन एक्स और प्लस टू एक्स मिलकर के थ्री एक्स हो गया. प्लस टू और माइनस फोर क्या हो गया, माइनस टू. क्योंकि माइनस फोर, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको, देखिए प्लस टू माइनस फोर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का हो जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2. तो यहाँ पर मैंने माइनस 2 लिख दिया और इंटू एक्स माइनस 2 है तो ये इंटू में, तो डिवाइड में पूरा आ गया. तो जी एक्स इक्वल टू ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू आ रहा है. यानी कि अगर आप एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 2 को अगर आप एक्स माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो आपका जी एक्स का वैल्यू निकल आएगा. यानी कि जी एक्स मतलब भाजक का वैल्यू निकल आएगा. तो चलिए बच्चों, आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए. मैं तो सलाह आपको बार बार देता हूं कि आप लिख लीजिए. लिख लेने से आपका जो है कि एक हैबिट बन जाएगा, उससे आपके दिमाग में ये पूरा समझ में आ जाएगा या फिर घुस जाएगा. तो चलिए फटाफट आप इसको, मतलब कि जो करना है आप कर लीजिए. ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, तब तक हम वेट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं कि जी एक्स को कैसे निकाला जाएगा. ठीक है, जरा देखिए एक्स माइनस टू आपका क्या है, डिवाइड में है. तो भाई एक्स माइनस टू, मैं पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ था पहले उसको लिख लेता हूँ हल. तो एक्स माइनस टू मेरा बाहर चला आया. ठीक है, भाजक के रूप में. और ये एक्स क्यू, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वही मैं लिख रहा हूँ,
एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस का टू है ना। देखिए एक्स क्यूब माइनस ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है, और ये प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंचते हैं ठीक है, यानी कि इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो जी एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा ठीक है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, रफ यहां पर मैं बता रहा हूं, रफ वर्क यहां पर मैं बताऊंगा आपको, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका क्या बन जाए, एक्स क्यूब बन जाए है ना। आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स में आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप एक्स में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुड़ जाता है, तो दो और एक तीन हो जाएगा ठीक है। तो देखिए एक्स में अगर आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस टू को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं बता देता हूं, माइनस टू को अगर आप देखिए माइनस टू को अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो मैं वही कर रहा हूं, माइनस टू को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऑपोजिट साइन लगता है, प्लस कुछ नहीं तो यहां पर माइनस होता है और माइनस है तो इसका उल्टा प्लस। अब इसको मैं कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर में प्लस एक्स क्यूब है, नीचे माइनस एक्स क्यूब है, दोनों आपस में कट जाएगा, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर। जरा देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस थ्री आप एक्स स्क्वायर को अभी छोड़ दीजिए, माइनस थ्री और प्लस टू को लेके चलिए। देखिए आपने माइनस थ्री और प्लस टू को लेकर के चला, तो माइनस थ्री और प्लस टू, माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन किसका रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू जो ग्रेटर रहेगा, जो बड़ा रहेगा, तो थ्री आपका बड़ा है तो इसीलिए आपका माइनस, जो थ्री में साइन है वही यहां पर भी साइन होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन माइनस का होगा, तीन में से दो जाएगा तो एक है ना, तीन में से दो जाते एक, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर कहिए है ना, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर कहिए, या फिर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वन को आप वन माइनस वन को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस वन को एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैं वन इंटू एक्स स्क्वायर ना लिख करके मैं सीधा सीधा माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए प्लस थ्री एक्स का प्लस थ्री एक्स उतर गया और माइनस टू का माइनस टू भी उतर गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक्स में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। चलिए हम दूसरा चौक चेंज करते हैं हाँ, तो अगर यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला हम इरेज करते हैं हाँ। तो बच्चों अगर आप एक्स में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे। एक्स में अगर आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो देखिए एक्स में हम माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब माइनस टू को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते, चलिए देखते क्या आता है। माइनस टू को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, साइन प्लस का हो जाएगा, और टू इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, तो प्लस टू एक्स। तो खैर ये प्लस टू एक्स दिखता नहीं है, सो नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो माइनस टू और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस टू एक्स आता है, तो प्लस टू एक्स का यहाँ पर लिख दीजिए। अब जरा देखिए माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, अब ये सेम है, सेम है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम सेम है, कट जाएगा और 3x में से 2x जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका 3 है, प्लस 3 है और ये माइनस 2 है, तो प्लस 3 माइनस 2, तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं तो बाहर में यहां पर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा रहेगा, तो प्लस 3 बड़ा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका प्लस 3 बड़ा है
ठीक है, साइन तो प्लस में है, मतलब कि बड़ा साइन तो प्लस का है, थ्री का, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। और खैर हम आपको बताया है कि प्लस साइन को दिखाना नहीं जरूरी है, अगर आप सिर्फ वन भी लिखेगा तो समझदार जो है कि समझ जाएंगे कि ये प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 2x कैलकुलेट करके 1 इंटू एक्स आया है, और 1 इंटू एक्स का मतलब होता है 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x होगा। तो क्या मैं सिर्फ x लिख दूँ, एकदम लिख सकते हैं भाई, तो सिर्फ x लिख दीजिए x, और माइनस 2 का माइनस 2 लिख दीजिए। अब जरा देखिए x माइनस 2, तो x में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि x आ जाए, तो सिंपली आप प्लस वन मल्टीप्लाई करो, x में अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, माइनस 2 में अगर प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 में अगर आप प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने x में अगर हम प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा क्या आ गया, ओनली x आ गया, उसी प्रकार से माइनस 2 में अगर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये सेम और ये सेम कट गया, नीचे में जीरो बज गया, ठीक है। तो आपका जो है कि मतलब x माइनस 2 मतलब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि इसको काट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, ठीक है। तो आप इसको अब नेक्स्ट स्टेप में यही काम कर लीजिए, है ना, इसीलिए मैंने अभी तक इसको नहीं मिटाया था, ठीक है। तो आपका तो ये प्रीवियस स्टेप में भी था, और साथ ही साथ अब इस स्टेप में भी आपको ये चीज लिखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो आपका gx का वैल्यू निकल आया है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब जरा देखिए इसको लिखने के बाद फिर आप ये वाला लिखेंगे, ये वाला पोर्शन लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों जरा देखिए आपका जी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 आया है, ठीक है। ये जी एक्स का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या निकल गया, भाजक निकल गया, यही तो आपका भाजक है, यही आपको निकालने के लिए कहा गया था, भाजक, भाजक यानी जी एक्स, आपको जी एक्स निकालने के लिए कहा गया था, भाजक यानी जी एक्स, क्या निकल गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए फटाफट आप इसको उतार लीजिए, यही आपको ज्ञात करना था, तब तक हम आप लोगों का वेट कर लेते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपने अभी तक इसको उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, मैंने इस लेक्चर में प्रश्न नंबर चार आपको इस लेक्चर में बताया है, प्रश्नवाली 2.3 का। अब अगले लेक्चर में प्रश्न 5 मतलब पांचवा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, उस पांचवें क्वेश्चन में रोमन नंबर क्वेश्चन 1, रोमन नंबर क्वेश्चन 2 और रोमन नंबर क्वेश्चन 3 भी हैं, तो वो उनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में आज के लिए यहीं तक, आप सभी हमारे वीडियो को इतना देर तक देखे इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, जोहार आप सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 12, ठीक है। तो धन्यवाद।